आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था इन दिनों वेंटिलेटर पर चल रही है। जयपुर के दूसरे इलाकों की बात तो छोड़िए, पॉश इलाकों में भी कचरा नहीं उठ पा रहा। बड़ा सवाल है कि क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर ऐसे बनेगा नंबर वन? तो आपको बता दें, जहां पर एक के बाद एक कई बार निगम की ओर से दावे किए गए, कहा गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन जयपुर को लाना है, रैंकिंग सुधारनी है। पिछली बार रैंकिंग तो सुधरी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद यही सवाल है कि क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में हम उठ पाएंगे या फिर और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण हाशिए पर, ना दिन में सफाई होती है और ना ही रात में। सफाई व्यवस्था वेंटिलेटर पर, क्या ऐसे टॉप 10 रैंक में पहुंच पाएगा जयपुर? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर जयपुर नगर निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। निगम प्रशासन जयपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जयपुर के पॉश इलाकों से कचरा तक नहीं उठाया जा रहा। निगम मुख्यालय में सत्ता भी बीजेपी की है और अफसर भी वही है, उसके बावजूद ना तो घरों से कचरा उठता है और ना ही सड़कों से। बड़ी बात तो ये है कि जहां पूरे सूबे की सरकार बैठती है वहां तक से कचरा का निस्तारण नहीं किया जाता। जयपुर कहने को स्मार्ट बन चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है। जयपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है जयपुर की सबसे पॉश कॉलोनी की। सचिवालय के बाहर सुबह 11 बजे तक भी सड़कों से कचरा नहीं उठ पाता है। जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम कर रही बीबीजी कंपनी के कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते हैं, जिसके चलते घरों से कचरा समय पर नहीं उठता, जिसका नतीजा सड़कों पर देखा जा रहा। कचरे के ढेर में अब आग लगाने से प्रदूषण भी फैलता जा रहा है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, सी स्कीम जैसा इलाका है और यहाँ के महापौर भी रह चुके हैं, जब जाके आए ना रोडों की स्थिति खराब है, कूड़ा जला दिया जाता है और पूरा रोड कचरे के कचरे का हो रहा है। सी स्कीम जैसे इलाकों में आप ये देख सकते हो, तो जयपुर और पूरे सूबे की हालत क्या होगी। नगर निगम कचरा कहाँ उठाता है, कचरा जला जाता है, वो तो हरिजन आता है और वो सला माचिया डाल जाता है, इसमें धुआं उठती रहती है। जो स्वीपर है नगर निगम के, वो आते हैं उसमें माचिस डाल देते हैं, भाई जल जाए, यहीं बदबू फैल जाए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड राज्य सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन सरकार के सरकारी सफाई कर्मचारी ही इसी कचरे को आग के हवाले कर देते हैं। कचरे से रोड़े अटी पड़ी है, कचरे में कभी स्वीपर आग लगा देता है तो कभी स्थानीय निवासी, पूरी रोड कचरे से अटी पड़ी है। यहाँ पर आने वाले लोगों को बदबू और ये जो प्रदूषण देख रहे हैं इसका सामना करना पड़ रहा है। जो वादे कर रहा है वो किस तरीके से उन वादों के ऊपर ये तस्वीरें तमाचा मार रही है। राजधानी जयपुर की ऐसी दुर्दशा को देखकर हर कोई स्वच्छता सर्वेक्षण पर सवाल खड़े कर रहा, जबकि हाल ही में 4,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जयपुर नगर निगम के हेल्थ कमिश्नर विनोद पुरोहित खुद ही शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नाखुश हैं और अब चुनाव में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं। रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।